थाना जहानाबाद पुलिस का नया कारनामा प्रकाश में आया। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय शक के आधार पर गांव का ही एक युवक को जहानाबाद पुलिस ने उठाया। लड़की भगवाने में संयोग करने के चलते 5 दिन से शक के आधार पर घर से उठाए गए युवक को थाने में कर रखा है कैद। थाने में बैठाए गए युवक के परिजनों ने लगाया रंजिशन, शादीशुदा तथा एक बच्चे के बाप को फंसाने का आरोप। थाने में शक के आधार पर बिठाए गए युवक को छोड़ने की एवज में मोटी धनराशि की मांग का भी लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद की ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम मीरपुर का मामला। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर कहाँ के रहने वाले हैं? मीरपुर। थाना कौन सा है? थाना जहानाबाद। जिला? जिला पीलीभीत। आप लगातार थानों के चक्कर लगा रहे हैं, क्या मामला है? आप थाने में क्यों आ रहे हैं बार बार? थाने में साहब इसलिए जा रहे हैं कि हमारे 5 दिन से बच्चा जहानाबाद पुलिस कार्य ले गए हैं पकड़ कर। तो क्यों ले गए? वो ले गए इसलिए कि वो लड़की देखो कि चली गई दूसरे लड़के के साथ, वो लड़का हमारे देखो कि सच नहीं पा रहा है। तो लड़की किसी और लड़के के साथ गई है? हाँ, दूसरे लड़के के साथ। तो आपके बेटे को क्यों बैठा रखा है? पता नहीं साहब क्यों बैठा रखा है। सहयोग किया आपके बेटे ने उसका ले जाने में? ना साहब, कुछ ना करो साहब, उसने उसको कोई कसूर नहीं था। क्या नाम है आपके बेटे का? सर्वेश नाम। शादी हो गई इस लड़के की? हाँ शादी हो गई। क्या बच्चे हैं? एक बच्चा है। तो क्या दिन से बैठा रखा है पुलिस ने? 5 दिन से। 5 दिन बैठा रखा है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं हमारा बच्चा छूट जाए कैसे, और वो बच्चा जो है ट्रैक्टर चलाता है उसे देखोगी वहाँ पे ले जाकर उन लोगों ने बैठा लिया पुलिस वालों ने। ये लड़की कब गई थी? लड़की जे जाको हो गए 5 दिन। आपके बेटे को कितने दिन हो गए बैठा लोगे? 5 दिन हमारी लड़की। अच्छा, वो लड़की कहाँ है इस समय? लड़की इसमें थाने में है। पुलिस ने बरामद कर लिया है? हाँ। क्या नाम है आपका? रामवती। कहाँ की रहने वाली है? मीरपुर। थाना कौन सा है? जहानाबाद। और जिला? पीलीभीत। क्या समस्या है? हाँ, अभी समस्या जा है कि लड़की जो हमारे गांव की वो मुराव लड़का लेगो, ठीक, और फिर बाके बाद में पुलिस हमारे बच्चे को उठा लेगी, तो फिर उसको छोड़ नहीं रही। तो आपके बेटे को पुलिस क्यों ले गई? पुलिस जा ले गई कि उसके संग मट्टी का काम करता था हमारा बच्चा, उसके संग लेबर चलती हुई, वो लड़का संग रहता था, हम काम करता था। कौन लड़का काम करता था? सुरेश बाकू, नरेश। नरेश नरेश कौन है ये? जो मोरिये। मोरिये, हाँ। तो ये लड़की को ले गया था? हाँ, जो लड़की को ले गया। तो फिर वाके बाद में हमारे बच्चा को नाम लगा दिया कि जिसमें कोई हमारे गांव की राजनीति है, जो हमारे बच्चा को कोई चाहता नहीं। फिर वाके बाद फिर क्या नाम है आपके बेटे का? सर्वेश। सर्वेश नाम है? हाँ। कहाँ इस समय वो? वो जहानाबाद थाने। कितने दिन से है वहाँ पर? वहाँ 5 दिन ही गए हैं। हम रोते चिल्लाते रहते हैं, बहुत परेशान हैं हम, हमारा अकेला बेटा। शादी हो गई? शादी है, एक बच्ची है गोदी। शादी हो चुकी है? हाँ। तो क्यों फंसा दिया किसी ने? गांव की राजनीति से फंसा दी। पुलिस क्यों नहीं छोड़ रही थी? पुलिस 2 लाख रुपया डिमांड बोल रही थी। तो ये पैसे की डिमांड जो कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन मांग रहा था? हमारो सगो चचेरो देवर प्रधान, ये मांग रहे हैं? वे मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या कह रहे हैं फैसले में 2 लाख रुपये दो। लड़की कहाँ है? लड़की इस समय थाने होगी। थाने आ गई? पुलिस ने बरामद कर लिया लड़की को? हाँ। क्या चाहते हैं? वे जय चाहते कि इनसे रुपया लें 2 लाख। हाँ, पैसे की डिमांड करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम जा चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेकसूर है, वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सतीश चंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमरगंज में रहने वाला हूँ, जो मीरपुर के पास में पड़ता है, गाँव है मीरपुर, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत का निवासी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ठीक, ये कहना चाहता हूँ, मेरा मौसेरा भाई सर्वेश कुमार जो मीरपुर का है, उसको एक लड़की के संबंध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका कोई दोष नहीं है।
जबकि लड़की दूसरे गांव का लड़का ही भगा के ले गया है, जबकि वो लड़का सर्वेस के यहाँ मिट्टी का ट्रैक्टर है उनके पास, ट्रैक्टर का काम करता था और वो लेबर के तौर पर काम करता था। लड़की वो मतलब कि 5-6 दिन पहले लेके गया है, उसके शक के दायरे में हमारे मौसेरे भाई को सर्वेस को पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में ही बैठा रखा है उसके लिए। जबकि हम लोग गए थे तो हमने अशोक साहब से बात की थी कि सर इन्हें क्यों बैठा लिया, बोले इन्हें शक के आधार पर लड़का काम करता था इसीलिए शक के आधार पर इन्हें बैठा लिया है, हम लड़की बरामद होगी तो हम इन्हें छोड़ देंगे, इनका कोई दोष नहीं है। तो लड़की सर कल बरामद हो गई है और फिर भी अशोक साहब ने लड़के को नहीं छोड़ा, जबकि लड़का बेकसूर है कतई। और कल लड़की जब बरामद हुई है तो उनसे पूछा गया कि लड़के का कोई दोष है, तो लड़की ने कहा इसका कोई दोष नहीं है। जबकि गांव के लड़की माध्यम से और उनके तरफ से जो चुनावी रंजिश की तरफ से लड़के के घर वालों से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है, ये सर अन्याय है कतई। हम ये चाहते हैं कि इस लड़के को लड़की की मांग हो रही है। हाँ कौन कर रहा है ये सर? लड़की की तरफ और गाँव के चुनावी रंजिश वाले लोग हैं जो इन्हें चुनाव दूसरों को लड़ाया था, इसी प्रक्रिया के तहत इन पर मांग हो रही है पैसे की, ये गलत है। लड़की वाले जो हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हाँ डिमांड कर रहे हैं, और जबकि लड़की बयान कर रही है। कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं जी? मतलब लड़के तो छुड़ाएंगे, मतलब कि छोड़ देंगे हम, मतलब कि तो पैसे दें तो। जबकि लड़की वो जो थाने में डरा तो छुड़वाने के लिए जबकि लड़की बयान कर रही है सर लड़के का कोई दोष नहीं है। यो लड़का है बैठा हुआ, क्या नाम है इसका? इसका सर्वेश कुमार। शादी हो चुकी है? हाँ शादी हो चुकी है, इनकी बच्ची भी है 6 महीने की है। कितने दिन से बैठा रखा है पुलिस ने? आज हो गए 5 दिन। जबकि सर 5 दिन में कोई रूल नहीं है तो थाने बैठाने का। क्या चाहते हैं वो? सर हम चाहते हैं सर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होता है सर वो किया जाए, जबकि ये तो निर्दोष है सर। लड़की जो लड़की जब कह रही है इसे छोड़ दिया जाए तो छोड़ना चाहिए सर। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप गंगवार। कहाँ के रहने वाले? मीरपुर, ग्राम मीरपुर, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। साहब क्या कहना चाहते हो आप? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक चचेरा भाई है सर्वेश कुमार, जिसके साथ में एक लड़का मेरे गांव का काम करता था, और जो काम करता था वो लड़का एक लड़की को लेके भाग गया है, और उस केस में मेरे सर्वेश भाई को, चचेरे भाई को झूठा फंसाया गया है, जो बिल्कुल भी निर्दोष है। बट गाँव के चुनावी रंजिश के कारण मेरे चचेरे भाई को पुलिस ले गई है, पता नहीं उसे किसने नाम लिखाया है, क्या किया है। पुलिस 5 दिन से उसे जहानाबाद थाने में बिठाई हुई है और अब तक छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, और जो भी अगर जाता है मिलने के लिए उसे मिलने नहीं देते हैं, जहानाबाद थाने के अंदर जाने नहीं देते, ना मिलने देते हैं, बाहर से ही कहते बात करो। बाहर से कैसे बात हो सकती है साहब? इसको थाने में बैठा रखा है, क्या नाम है उसका? सर्वेश गंगवार। तो ये लड़की भागा ले जाने में कैसे सहयोग वगैरह किया? सर इसने कोई सहयोग नहीं किया है। तो पुलिस ने क्यों बैठा रखा है सर? पुलिस ने इसलिए, पता नहीं पुलिस ने क्यों बैठा रखा है, क्योंकि लड़की भी बरामद हो चुकी है, पुलिस के पास आ चुकी है, लड़की भी कह रही है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। लड़की बरामद हो गई? हाँ लड़की जहानाबाद थाने आ चुकी है। सर्वेश क्या काम करता है? सर्वेश ये ट्रैक्टर चलाता है साहब। अब साहब जो काम कराता है, जो ट्रैक्टर चलाता है, उसके पास लेबर तो रहती है, और अगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे पास कोई लेबर है या मैं किसी से बात करता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है, वो अगर कुछ गलत काम करते उसमें मुझे फंसाया जाए, फिर वो तो मेरे सर ना जात का है ना बिरादर का है, मेरे गांव का है। ऐसे गांव में तो पुलिस किसी को भी उठा सकती है। यहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा निकम्मा हो चुकी है, क्योंकि वो ही जो इसे मोटी रिश्वत देता है, बस पुलिस उसी की सुनती है, वरना पुलिस को ये मतलब नहीं कि कोई गरीब है उसकी फरियादी सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। अब मेरा चचेरा भाई अकेला भाई है साहब, ये बताइए मैं क्या करूँ, उसे कैसे छुड़ाऊँ? मुझे पता लगा कि 2 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। कौन मांग रहा है 2 लाख रुपये? सर पुलिस वाले मांग रहे हैं या गांव का प्रधान मांग रहा है, पता नहीं कौन मांग रहा है, मुझे जो पता लगा है वो गांव के प्रधान के पर्पस से पता लगा है। अब बताइए साहब मैं अपनी जमीन बेचूं क्या करूं? जी बरामद हो गई। हाँ सर वो आ चुकी है जहानाबाद थाने। हाँ थाने में है। सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अगर भाई वाकई में अगर बेकसूर है तो उसे छोड़ा जाए, अगर दोषी है तो हाँ उसे जो भी अगर उसने दोष किया है, जब लड़की साफ साफ कह रही है कि इससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, ना इसने मुझे छोड़ा है ना बाहर लेके गया था। तो ये जो लड़का ले गया था, हाँ तो वो लड़के क्या करते थे इसके साथ में? सर इसके साथ में वो ट्रैक्टर चलाता था, ये पटान उटान करते थे, मजदूरी कार्य करते। हाँ मजदूरी कार्य।